दिल का दरिया। हाँ जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो को देखकर आप भी यही गाना गाने वाले हो। हाँ, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र का पेपर। ओहो, आहा। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं, ओ, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। जी, एक प्रकाश वर्ष का मान 9.40×10^15 m। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। उसके बाद यहाँ पर इन सभी को क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी देख लेना, ड्रामा मरामा बंद करो। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, मतलब सही विकल्प नंबर 3, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जिसका जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट और क्या लिखा है आर्ग। उसके बाद बाद उसके बाद हमारा अगला चौथा, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक JS kgm² nm, उसके बाद m(nm)s-1। उसके बाद शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो प्रवाहित पासवाल। यहाँ पर इन सभी को सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर चैनल से पहले का चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना, इसका सॉल्यूशन हम आपको एंड पर बता देंगे। यहाँ से उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तांबा, रबर, इस्पात, प्लास्टिक। उसके बाद हमारा अगला है, दाब बढ़ाने पर पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है या घट जाता है या कम हो जाता है या फिर कुछ नहीं होता है, वो तो आपको पता होगा। हमें नहीं पता क्योंकि हम दाब से पूछ कर आते हैं, अभी हम दाब से पूछ कर आते हैं भाई, घट रहा है तुम या बढ़ रहा है, क्या बात है। उसके बाद है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता की एसआई का मात्रक क्या होता है। उसके बाद रिक्त स्थान, रिक्त स्थान पढ़ेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे पढ़कर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पृथ्वी सतह पर खाली स्थान गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। उसके बाद प्रतिबल एक खालिस्तान राशि है। तीसरा है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है, बल का विमीय सूत्र खालिस्तान है, एक पार्श्विक बराबर कितना होता है, IJ^(I)J^ क्या होगा। उसके बाद तुल्यकारी उपग्रह का आवर्तकाल खालिस्तान होता है। आठवां है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक लिखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक लिखिए। उसके बाद है सत्य और असत्य, यहाँ पर इन सभी को सत्य और असत्य को भी स्क्रीनशॉट कर लो, मैं अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है, सत्य और असत्य को भी स्क्रीनशॉट कर लेना। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन जल्द ही डालने वाले हैं, बस 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 थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा समय दीजिए हमें, रुको जरा, सबर करो। इन सभी को अच्छे से लिख लेना, प्रतिबल का मृत्युबल, प्रतिबल मृत्युबल, आग घर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाओ, तो बनाओ फिर कहाँ से बना दें, इसका जो है ज्योति तीव्रता, इसका मैं सॉल्यूशन है अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखना है, एक अंक पर 8, मतलब 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन गत हो गए। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, एक है, दूसरा है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। उसके बाद है, यदि पृथ्वी की संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के प्रमेय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद पृथ्वी का पलायन वेग लिखिए। उसके बाद है श्यानता गुणांक का सूत्र लिखिए। उसके बाद है कानो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए। उसके बाद है आवर्ती गति किसे कहते हैं, उसके बाद शून्य सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिमाण शून्य हो वह शून्य सदिश है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। उसके बाद है सदिशों के युग्म संबंधी त्रिभुज का नियम। ओ, ये तो प्रश्न है भाई साहब, ये जो प्रश्न है ना, इसको कर ही लेना, क्योंकि त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, बोर्ड, प्री बोर्ड, सब बोर्ड में आ चुका है प्रश्न, अब आपकी MP बोर्ड की वार्षिक बोर्ड में आना बाकी है। उसके बाद यहाँ पर इनका जो सूत्र है, त्रिभुज संबंधी नियम होता है, जब दो सदिश दिशा व परिमाण के साथ त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो जो परिणामी सदिश होता है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा उसके विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, इसका जो नियम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा ही मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियां एवं उनके मात्रक, देखिए ऐसा ही मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियां होता है, एक लंबाई जिसका होता है मात्रक मीटर, जिसको हम m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक लंबवाई, एक होता है द्रव्यमान, एक होता है
बहुत से होते हैं, पदार्थ की मात्रा भी होती है, आपका ऊष्मा भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन सभी को अच्छे से मैं आपको अगले वीडियो में नोट करके अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जब किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य उसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन के बराबर होता है। संरक्षण करना बहुत ही आसान है। उसके बाद दसवा प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है, आपने 100 बार पढ़ा होगा। उसके बाद पास्कल का नियम यार कौन नहीं जानता यार, नहीं ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम हर कोई जानता है। उसके बाद है मेयर समीकरण, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपने 50 बार करके देखा होगा तो ये बन ही जाएगा, आप तो बन जाएगा। नहीं किया तो इसको 100 बार करके देख लेना कॉपी पे। 100 बार से मतलब मेरा थोड़ा, आप ऐसा मत बोला करो, मैं अगर बोलता हूँ 100 बार तो 100 बार जरूरी नहीं कि 100 बार करो, लेकिन करो उसको 1-2 बार करो, आप पे बनने लगेगा गारंटी से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, प्रक्षिप्त गति किसे कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल इसका ज्ञात करो, नहीं और इसकी क्षैतिज परास भी ज्ञात करना है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पृथ्वी सतह से पिंड की ऊंचाई पर ले जाने पर तुरंत जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ठीक है, यहाँ से इन सभी को आपको अच्छे से कर लेना है, मैंने सभी के प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। आप PDF को आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकती है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। अब तुम इसे फेक पेपर समझो या रियल, वो तुम्हारे ऊपर है, वैसे एक मॉडल पेपर है। चीटिंग करता है तो मजा आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर दो वीडियो को जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।